बारनोल की रहने वाली हूँ, और मैं जब यहाँ पे आई थी तो बिल्कुल लाचार थी, मेरे से उठा नहीं जाता था, बिल्कुल जैसे लाश पड़ी होती ऐसे पड़ी थी। फिर नितिन डॉक्टर से मिले हम, नितिन सर ने मेरा इलाज शुरू किया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, और अब मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट दिया है कि मैं चल सकती हूँ, ये तो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। नितिन सर बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत ज़्यादा, वैसे भी उन्होंने बहुत सहायता की, मोटिवेट बहुत किया, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ ने बहुत साथ दिया मेरा, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। मेरा नाम हरमन सिंह है, मैं हरियाणा नारनौल का रहने वाला हूँ। मैं मेरी मम्मा को लेके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे। हम आर्मी से हैं तो रेपको पैनल वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मणिपाल हॉस्पिटल का मैंने काफ़ी जगह से नाम सुना था, तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने भी हमें रिकमेंड किया था कि आप मणिपाल में जाइए, वहाँ की फैसिलिटीज़ बेटर बहुत अच्छी हैं। तो फिर हमने यहाँ पे डिसाइड किया अभी हम मणिपाल में जाएंगे, तो हम मणिपाल में आए थे उस टाइम पे 2017 में, तो मम्मा को आँखों से दिखना बंद हो गया था, तो डॉक्टर राजा राम ने ट्रीट किया था फर्स्ट टाइम, तो उनका जो रिज़ल्ट था बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मा की आँखों की रोशनी वापस आ गई थी। फिर नेक्स्ट टाइम अब हम आए, भाई को भी लेके आया था मैं, भाई का भी ऑपरेट हुआ था यहाँ, तो तब भी मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छी हर चीज़ में मेरे को जो केयर है ना वो बहुत अच्छा मतलब कि मिलता रहा, और पेशेंट की तो जो केयर करते हैं हर चीज़ में मतलब कि वेल गुड, कोई मतलब कि बता नहीं सकते, मतलब कि ऐसी अच्छी करते हैं। और अब जो लेटेस्ट है भाई, मम्मा को फिर से प्रॉब्लम हुई थी, बट मम्मा को अब नीचे से चलना, पैरों से चलना बंद हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे पूरे, तो अब डॉक्टर नितिन के अंडर थे, डॉक्टर नितिन ने बहुत अच्छे से उनको कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया। अब मम्मा अच्छे से 3-6 मंथ होगा, सर ने बोला था 6 मंथ के अंदर अंदर वो प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, अब मम्मा चलने भी लग गए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता है, मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में, और मैं एक केस आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। एक 52 साल की महिला जो हमारे पास आई थी, इनको 2017 में एकदम से आँखों की दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी, उसके बाद इनका कहीं ट्रीटमेंट हुआ था, बाद में अभी हमारे पास ही आई हैं।